जय हिंद दोस्तों। जैसे कि मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ बिहार पुलिस का एनालिसिस, जो आपका 11 तारीख का पेपर हुआ है उसका एनालिसिस कराने वाला हूँ। ये क्वेश्चन मैं सेंटर पर जाके लड़का सबसे एनालिसिस करके क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, गांधी जी भारत कब आए थे? तो गांधी जी भारत आपका 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आए थे। इसी दिन आपका प्रवासी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने करवाई थी? तो गुरु अर्जुन देव की हत्या आपका औरंगजेब ने करवाया था। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नील नदी के पास कौन सा स्थित शहर है आपका? नील नदी के पास आपका स्थित शहर काहिरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपका उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो आपका उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ताजमहल का वास्तुकार कौन था? तो ताजमहल का वास्तुकार आपका उस्ताद अहमद लाहौरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो ऋग्वेद में कितने नदियों का उल्लेख है? तो आपका ऋग्वेद में टोटल 25 नदियों का उल्लेख है। अगर आपको पूछेगा ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो आपका ऋग्वेद में 9 मंडल है टोटल। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो आपका चिपको आंदोलन के नेतृत्वकर्ता सुंदरलाल बहुगुणा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो चिल्का झील किस राज्य में है? तो आपका चिल्का झील उड़ीसा राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपका जल संसाधन मंत्री बिहार का कौन है? दोस्तों बिहार से क्वेश्चन बहुत आ रहा है, आप लोग बिहार का क्वेश्चन बहुत आ रहा है, आप देख सकते हैं। बिहार का जो है जल संसाधन मंत्री आपका है विजय कुमार चौधरी है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य कर के लिए सामान्य वेतन किस अनुच्छेद में है? आपका आर्टिकल से भी क्वेश्चन आ रहा है, आप हर एक आर्टिकल क्वेश्चन के बारे में पढ़ कर जाएंगे। तो सामान्य कर के लिए सामान्य वेतन आर्टिकल 39 के डी में है आपका। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपका है जो जनगणना से भी क्वेश्चन आपका आ रहा है, आपका है जो जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला आपका जो है राज्य है आपका जो यूपी था, यूपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो लोकसभा का चुनाव कितने वर्ष में होता है? तो लोकसभा का चुनाव आपका टोटल 5 वर्ष में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो विश्व का सबसे लंबी नदी कौन है? तो आपका विश्व का सबसे लंबी नदी नील नदी है। अरे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, WHO की स्थापना कब हुआ था? तो 1995 में हुआ था WHO की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपका है जो कांवड़ झील बिहार के किस राज्य में स्थित है? आपका बिहार के बेगूसराय में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुआ था? तो आपका पटना हाई कोर्ट की स्थापना 3 फरवरी 1916 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था? तो आपका बिहार से झारखंड 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, बिहार के प्रथम CM कौन थे? तो आपका बिहार के प्रथम CM थे आपका डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था? तो आपका बिहार का प्रथम राज्यपाल जयराम दौलत राम था। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक आपका कुमार गुप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपका 1857 की क्रांति का नेतृत्वकर्ता किसने किया था? तो 1857 के नेतृत्वकर्ता थे वीर कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्युत धारा का इकाई क्या है? तो विद्युत धारा का ऐसा इकाई आपका एम्पियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सूत्र क्या होता है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सूत्र CnH2n+2 होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, तो आपका तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो आपका तारे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, तो आपका द्रव्यमान का एसआई इकाई क्या होती है, तो द्रव्यमान का एसआई आपका केजी ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हाइड्रोक्साइड का उपयोग किसके लिए होता है, तो आपका हाइड्रोक्साइड का उपयोग अम्लता को दूर करने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स वाई गुण सूत्रों की संख्या किसमें होती है, तो लड़कों में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, तो आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो आपका लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, तो रक्त का थक्का किस विटामिन के कारण बनता है, तो आपका विटामिन के कारण रक्त का थक्का बनता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, तो पौधों में श्वसन दर की क्रिया कहाँ से होती है, तो आपका रंध्र द्वारा पौधों में श्वसन दर की क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, तो बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे, तो आपका बिहार के प्रथम जो है मुस्लिम मुख्यमंत्री थे अब्दुल गफूर। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम लीग ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में आमे जिन्ना को अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था, तो आपका हो गया 1929। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने सिख पंथ की स्थापना की थी, तो आपका सिख पंथ की स्थापना गुरु अर्जुन देव ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, तो राज तरंगिणी के लेखक कौन है, तो आपका राज तरंगिणी के लेखक कलहन है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर महावीर ने केवल ने प्राप्त किया था, तो ऋजुपालिका नदी के तट पर ने प्राप्त किया था। तो दोस्तों ये देख सकते हैं ये बिहार पुलिस के जो है जो आपका पेपर हुआ था 11 अगस्त को, वहीं से हम सेंटर पर से जाके लड़कों से एनालिसिस करके लाए हैं आप लोगों के लिए, और ये क्वेश्चन आपके लिए जो आपका अगले एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग देख सकते हैं सब क्वेश्चन, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।